हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 जून 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के लिए एक नियमित समय प्रणाली स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ए से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा और कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के लिए एक नियमित समय प्रणाली स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जाक्सा है जापान की। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आर्टेमिस प्रोग्राम है जिसे लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? नासा के द्वारा। आर्टेमिस प्रोग्राम का एम है टू लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून बाय व्हिच ईयर? तो 2024। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रक्षा मंत्रालय से। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि आपका ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने 4 बैंक के साथ MOU पे साइन किया है स्पर्श सर्विस के लिए। और स्पर्श क्या है? स्पर्श इज ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग पेंशन क्लेम्स एंड क्रेडिटिंग द पेंशन डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ डिफेंस पेंशनर्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरमीडियरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पर्श क्या है? स्पर्श इज ए वेब बेस्ड सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग पेंशन क्लेम्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पर्श सर्विस क्या है, स्पर्श क्या है। और कौन से 4 बैंक के साथ इन्होंने MOU साइन किया है? तो DAD ने साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कनाडा बैंक के साथ, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। कौन से 4 बैंक के साथ? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है CFD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जाक्सा ने डेवलप किया है, ऑप्शन बी है इसरो ने, ऑप्शन सी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो ने। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो ने। इसके अलावा प्रवाह का मतलब क्या हुआ? प्रवाह स्टैंड फॉर पैरेलल रैंड सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मो डायनेमिक एनालिसिस। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रवाह स्टैंड फॉर पैरेलल रैंड सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मो डायनेमिक एनालिसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा वक्र कर्व एक प्रसिद्ध अनुभवजन्य संबंध इंपेरिकल रिलेशनशिप है जो दर्शाता है कि किसी देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा उसकी प्रति व्यक्ति आय से कैसे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कुजनेट कर्व, ऑप्शन बी है लाफर कर्व, ऑप्शन सी है प्रिस्टन कर्व, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रिस्टन कर्व। कौन सा कर्व एक इंपेरिकल रिलेशनशिप है जो दर्शाता है कि किसी देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा उसकी प्रति व्यक्ति आय से कैसे संबंधित है? तो कौन सा कर्व है? प्रिस्टन कर्व, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका प्रिस्टन कर्व है,
इसको सबसे पहले प्रपोज किया गया था किसके द्वारा, तो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है सैमुअल एच प्रिस्टन। तो इन्हीं के नाम पे कर्व का नाम है प्रिस्टन कर्व। कौन से ईयर में? 1975 में। कौन से ईयर में? 1975 में। एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, प्रिस्टन कर्व से रिलेटेड है, जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है भारतीय का, वो आपका 1947 में कितना था? 9000 पर ईयर, जो कि 2011 में कितना हो गया? 55000 पर ईयर। इसी पीरियड में, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन रोज फ्रॉम ए मेरे 32 ईयर, और 2011 में कितना हो गया? 66 ईयर। तो ये भी आपको याद रखना है, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1947 में कितना था? 32 ईयर, और 2011 में 66 ईयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी लीबिया, ऑप्शन डी जाम्बिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जाम्बिया। हाल ही में कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जाम्बिया में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया है, ये आपका पाँच देशों का समूह है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या देखना है। जो मीटिंग हुई है जाम्बिया में, तो क्यों हुई है? तो इन पे बैन लगा हुआ है, बैन ऑन आइवरी ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई है इनकी, इन पांच देशों की, तो जो अगला 20th मीटिंग होगा ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP20 का, किसका? साइड्स का, नेक्स्ट ईयर जिनेवा में होने वाला है। तो वहाँ पे ये बोलेंगे कि जो बैन है, बैन ऑन आइवरी ट्रेड, इसको हटाया जाए। इसलिए आपका ये मीटिंग हुआ था। और कौन कौन से पाँच देश है? तो अंगोला है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। काजा TFCA में कौन कौन देश है? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इनसे बना काजा TFCA एक 5,20,000 वर्ग किलोमीटर का वन्य जीव अभयारण्य है। जो एरिया है आपका, ये क्या है? 5,20,000 वर्ग किलोमीटर का वन्य जीव अभयारण्य है, जो इन पांच दक्षिणी अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है, जो ओकावांगो और जाम्बेजी नदी घाटियों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर NHCX नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है? आपके पास ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर NHCX नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। NHCX का मतलब क्या हुआ? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। NHCX स्टैंड्स फॉर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। बेसिकली क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके लिए? हेल्थ क्लेम के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है मलेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो सिंगापुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं IPEF के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है IPEF स्टैंड्स फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। IPEF स्टैंड्स फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 23 मई 2022 को। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में। 14 देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिजी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है,
जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है और यूएसए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत किस वर्ष तक अपने विकसित भारत लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2047 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने अपनी अगली पीढ़ी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप प्लेटफॉर्म रूबिन लॉन्च किया है जो 2026 में उपलब्ध होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है OpenAI, ऑप्शन डी है एनवीडिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एनवीडिया। किस कंपनी ने अपनी अगली पीढ़ी का कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप प्लेटफॉर्म रूबिन लॉन्च किया है जो 2026 में उपलब्ध होगा? तो एनवीडिया ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसके CEO कौन है? तो जेनसेन हुआंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में हाला थॉमस डॉटीर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है आइसलैंड, ऑप्शन बी है पनामा, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है आयरलैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आइसलैंड। हाल ही में हाला थॉमस डॉटीर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आइसलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने किस कंपनी से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन रिलायंस पावर, ऑप्शन बी अदानी पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी है टाटा पावर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अदानी पावर लिमिटेड। भेल ने किस कंपनी से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर प्राप्त किया है? तो अदानी पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? तो एक तो आपका है छत्तीसगढ़ रायपुर में और दूसरा आपका है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमर्स जोल्ड पदक से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है श्रीधर श्रीराम, ऑप्शन बी अभय सेन गुप्ता, ऑप्शन सी है नायक धनंजय कुमार सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नायक धनंजय कुमार सिंह। हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमर्स जोल्ड पदक से सम्मानित किया गया? तो नायक धनंजय कुमार सिंह को। अच्छा, इस अवार्ड को लिया किसने? तो वहाँ पे रुचिरा कंबोज है, भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, हालांकि रिटायर हो गई है। रुचिरा कंबोज ने इस अवार्ड को लिया था, इस पुरस्कार को लिया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, जो भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन एम्बेसडर में, टू द यूएन एम्बेसडर कौन है? रुचिरा कंबोज। इन्होंने रिसीव किया इस मेडल को। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकिलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकिलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में। अच्छा, ये किसने किया? तो त्रिशक्ति कॉर्प्स है इंडियन आर्मी का, इन्होंने किया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका प्रोजेक्ट है किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द आर्मी का जो सद्भावना इनिशिएटिव है, इसका पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है कमल किशोर सोन, ऑप्शन बी है राजीव गुप्ता, ऑप्शन सी है राजीव सिन्हा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कमल किशोर सोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस IIT ने अग्नि बचाव सहायक ड्रोन फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन बनाया जिसका प्रदर्शन किया गया? आपके पास ऑप्शन है IIT पटना, ऑप्शन बी IIT गांधीनगर, ऑप्शन सी IIT जोधपुर, ऑप्शन डी IIT धारवाड़। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, IIT धारवाड़। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो टीम था IIT धारवाड़ का, टीचर्स और स्टूडेंट का,
तो लीड किसके द्वारा किया गया था, लीड किया गया था इस टीम को सुधीर सीधापुरेड्डी और अमीर मुल्ला के द्वारा। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, सुधीर सीधापुरेड्डी और अमीर मुल्ला। और इस प्रोजेक्ट को फंडिंग कहाँ से मिला, तो तिहान फाउंडेशन से, तिहान फाउंडेशन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7 जून को। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और थीम क्या है 2022 की, थीम क्या है 2024 की थीम, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। तो थीम भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन मनाता है, तो FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलके, FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदरलैंड। पहले पे यूएसए है, फिर यूएई है, और इसके बाद आपका नीदरलैंड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजराइल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गुडलेब्बा हल्ली केरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिद्धलिंग पतन सेट्ठी को। गुडलेब्बा हल्ली केरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, सिद्धलिंग पतन सेट्ठी को। और आज के आखिरी घंटे फिर पे आते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे की रैंक क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 149, ऑप्शन बी है 118, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 139। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 118। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है आपका MIT, MIT आपका टॉप पे है और लगातार 13वीं बार है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा IIT बॉम्बे की रैंक कितनी है, 149। इससे पहले रैंक कितनी थी, सॉरी IIT बॉम्बे की 2024 में जो रैंकिंग आई थी तो 249 थी, और 2025 में कितनी है, 118 है। इसके अलावा IIT बॉम्बे के बाद कौन है, IIT दिल्ली है, और IIT दिल्ली के बाद है, IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली के बाद IISc है। IIT दिल्ली की रैंक कितनी है, तो IIT दिल्ली की रैंक पिछले साल थी 197 और इस साल कितनी है, 150। और IISc की रैंक थी इससे पहले 225 और इस बार कितनी है, 211। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।